मुझसे कई लोग बात करते हैं, शिकायत करते हैं कि उनका बचपन तकलीफ़ों में बीता था, उनके साथ परेशानियां थी जिनकी वजह से वो आज तक कुछ कर नहीं पाए और शायद आगे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जब भी कोई इस तरह की बातें करता है तो मुझे सिर्फ रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी कि हमारे आयरन मैन का चेहरा याद आता है, उनके अचीवमेंट्स याद आते हैं, उनकी परेशानियां याद आती हैं और ये सब याद आने पर आंखों से तो आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन दिल में ढेर सारा मोटिवेशन आता है कि अगर वो शख्स इतना सब कुछ सहन करने के बाद आज दुनिया के सबसे पॉपुलर अभिनेताओं में से एक है तो बाकी लोग सफल क्यों नहीं हो सकते। उनके पिता को नशे की आदत थी और उन्होंने अपने बेटे यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर को 6 साल की उम्र में ही नशे की आदत लगा दी थी। इस आदत की वजह से कई बार रॉबर्ट जूनियर को रातों को नींद नहीं आती थी। कई बार वो लोगों को जाने कितने फोन किया करते थे ताकि उन्हें थोड़ा सा नशा करने को मिल जाए और ऐसी ही जाने कितनी तकलीफें उन्होंने झेली थी। नशे की लत की वजह से वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए थे। चूंकि उनके पिता भी एक एक्टर थे तो रॉबर्ट भी एक्टर ही बनना चाहते थे, लेकिन ये रास्ता भी उनके लिए आसान नहीं था और उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ी थी अपना पहला ब्रेक लेने के लिए। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से उसमें भी सफलता पाई, पर उनकी नशे की आदत ने उन्हें एक बार पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। नशे की आदत के कारण कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल में उन्हें कई बार बहुत बुरी तरह से पीटा भी गया। जेल में उन्हें जो काम दिया जाता था उसमें एक दफ़ा ऐसी भी हालत हो गई थी कि उन्हें पिज्जा पैन साफ करने का काम दिया जाने लगा था, जिसके बदले उन्हें 1 घंटे में सिर्फ 8 सेंट मिलते थे। एक अभिनेता जिसे अपने वक्त के सबसे अच्छे अभिनेताओं में से एक माना जाता था, वो मजाक का पात्र बन गया था। उसे वो काम दिए जाते थे जो सफाई करने वाले लोगों को भी नहीं दिए जाते होंगे और उनके साथ ऐसा सलूक किया गया जो किसी भी इंसान को तोड़ देने के लिए काफ़ी था। इसके बाद जब वो जेल से निकले तो उनकी पत्नी से उनका तलाक हो गया, उन्हें फिर से जेल भी जाना पड़ा और कई बार उन्हें उनकी फिल्मों से निकाल दिया गया। लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने हिम्मत नहीं हारी, अपने नशे की आदत से बाहर निकले और फिर उन्होंने वो सफलता हासिल करी जो दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलती है। आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है, मानती है और उन्होंने ये सफलता उन सारी तकलीफों के बाद हासिल करी है जो किसी भी इंसान को तोड़ सकती थी, बर्बाद कर सकती थी। तो अगर आप अभी भी शिकायत कर रहे हैं कि आपका बचपन बुरा था, आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, आपको पैसे कम मिलते हैं, आपके रिलेशनशिप खराब हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है या ऐसी ही कोई बात, तो सिर्फ आप खुद को एक्सक्यूज दे रहे हैं किसी काम को ना करने के लिए या कुछ हासिल ना कर पाने के लिए। और अगर आप असफल हैं तो ये दुनिया की नहीं सिर्फ आपकी गलती है। अब यहाँ मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि प्लीज़ अपनी सोच को बदलिए और ये समझ लीजिए कि आपकी तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा नहीं हैं जिनसे आप बाहर नहीं निकल सकती। तो आप अपनी तकलीफ़ों से बाहर निकलने की कोशिश करिए और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर की तरह सफल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको इससे फायदा मिला, तो इसे सभी के साथ शेयर जरूर करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।